This conference will उन्हें now पढ़ा be था recorded. यूजर्स एंड ग्रुप एंड पॉलिसी. नाउ द टू डे आई एम जस्ट स्टार्ट फॉर द टू थिंग्स इज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA एंड ROLES रोल्स. तो गाइस रोल्स का मतलब क्या है कि सपोज करो इन अ क्लाउड यू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट. स्टोरेज यानी कि जहां पर भी आपके यूजर्स का डेटा रहता है. नाउ यू क्रिएट अ स्टोरेज अकाउंट, ये आपका एक स्टोरेज का पोर्टल है. एंड सेकंड इज EC2. दिस इज EC2 जहां पर भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो. तो लाइक दिस इज S3 सर्विस एंड दिस इज योर EC2 सर्विस. सर्विसेस नाउ दिस टू सर्विसेस. सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट आर टू पॉलिसीज. आई एम क्रिएट टू पॉलिसीज. द वन पॉलिसीज S3 फुल एक्सेस एंड नाउ हेयर इज EC2 फुल एक्सेस. दैट मीन्स कि मैंने इस S3 को फुल एक्सेस यानी कि कोई भी इस S3 को एक्सेस कर सकता है. उसके लिए मैंने एक पॉलिसी क्रिएट कर दी है और सेम एज EC2 को कोई भी एक्सेस कर सकता है, एक पॉलिसी क्रिएट कर दिया है. नाउ देन आई एम क्रिएट वन ग्रुप ये ग्रुप क्रिएट करा है मैंने. Now this is a group name is like S3 access, and this is a one more group is available S3 access group 1, and this is another group is EC2 access is group 2. And now I'm just attached this policies EC2 policies with EC2 group and S3 policies with S3 group. And now I'm add the users in this group. Like I'm add user and now guys main yahan pe user set kar raha hu in this group. And this user called name is Ankit. Comma Badal. Like Praveen. Like Puspit. And now the here is the some another users are available is like Rajat, Ram, Tarun. So what is the output guys? Kya output aayega iska, koi batayega mujhe? Everyone, koi batayega what is the output? अगर मैं स्ट्रेट्स की कोई पॉलिसीज इंप्लीमेंट करता हूं तो व्हाट इज द आउटपुट? क्या हुआ गाइस, कोई कुछ नहीं बता रहा? अंकित क्या आउटपुट आना चाहिए अगर मैं स्ट्रेट्स की कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करता हूं तो?
फर्स्ट यूजर जो इसमें सर S3 का एक्चुअल एक्सेस मिलेगा जो भी होगा, और किन सेकंड वाला यूजर्स भी को इसी को कनेक्ट S3 का एक्सेस करेगा मिलेगा? जी। अंकित, बादल, परवीन, पुष्पित। तो इस S3 का गाइस, मिलेगा अगर मैं इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं, तो यहां पर क्या है, मैंने दो ग्रुप्स बनाए हैं, एक ग्रुप 1 और एक ग्रुप 2। ग्रुप 1 को मैंने S3 एक्सेस यानी कि S3 पॉलिसीज को असाइन कर दिया है ग्रुप 1 के साथ, और ग्रुप 1 के अंदर जो भी यूजर्स मैंने ऐड करे हैं लाइक अंकित, बादल, प्रवीण, पुष्पित, ये यूजर सिर्फ S3 स्टोरेज पर ही काम कर सकते हैं, किसी और स्टोरेज पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं इनको कर मैंने कोई सकते। और राइट्स नहीं दिया है। सेम एज मैंने एक और पॉलिसी बनाई है विद द नेम ऑफ EC2 फुल एक्सेस, और EC2 फुल एक्सेस पॉलिसीज को मैंने अटैच किसके साथ कर दिया है, EC2 ग्रुप 2 के साथ। और जब मैंने EC2 ग्रुप 2 के साथ कर दिया है, तो अब मैं इस ग्रुप के अंदर जो भी यूजर ऐड करूंगा, उन यूजर को कौन से राइट्स मिलेंगे, सिर्फ EC2 एक्सेस करने के। इशू टू सर लाइक इफ आई एम जस्ट क्रिएट अ वन मोर ग्रुप, इफ आई एम क्रिएट अ वन मोर ग्रुप लाइक दिस इज माई ग्रुप 3, एंड इन ग्रुप 3 आई एम जस्ट अटैच बोथ पॉलिसीज, एंड नाउ द एड द यूजर इज कॉल्ड राज। व्हाट हैपेंड, राज को कौन से राइट्स मिलेंगे? दोनों राइट्स गाइस मिलेंगे या सो राज को दोनों के दोनों राइट्स मिल जाएंगे, कि राज के पास S3 स्टोरेज पे भी काम करने के राइट्स हो गए, और राज के पास आपके कौन से EC2 के भी राइट्स हो गए। गॉट इट दिस पॉइंट, जो हमने कल करा था, इज इट क्लियर एवरीवन? सर। यस सर। नाउ द टुडे कंसर्न इज अ रोल। तो गाइस रोल का भी जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम है। रोल का भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम है। लाइक आई एम क्रिएट अ वन रोल, मैं यहां पर एक रोल क्रिएट कर रहा हूं, एंड आई एम गिव दी दिस नेम इज रोल 1। द नेम ऑफ दिस रोल, सो इस रोल का नाम मैं दे रहा हूं रोल 1, और मैं क्या कर देता हूं, इस रोल के साथ ये वाली पॉलिसी अटैच कर देता हूं। एंड नाउ क्रिएट अ वन मोर रोल इज कॉल्ड अ रोल 2। एंड नाउ आई एम जस्ट अटैच विद दिस पॉलिसी, एंड नाउ क्रिएट अ वन मोर रोल इज रोल 3, एंड नाउ अटैच दिस बोथ पॉलिसीज। व्हाट हैपन कि रोल 1 को सिर्फ S3 के एक्सेस हैं, रोल 2 को EC2 के एक्सेस हैं, और रोल 3 को EC2 और S3 दोनों एक्सेस हैं। गॉट इट दिस पॉइंट यस एवरीवन? सर, यस सर, यस सर। नाउ द यूजर्स इज लॉग इन इन अ वेब ब्राउजर। यूजर जो है वो आपका कहां पर लॉग इन होता है, वेब पर होता है, यानी कि आइदर यू लॉग इन यूजर विद अ कंसोल। तो कंसोल पे जो भी यूजर लॉग इन होता है उसको बोलते हैं GUI, और यह सेकंड इज अ CLI, कमांड प्रॉम्प्ट पे जो यूजर लॉग इन होता है गाइस। बट जो रोल का कॉन्सेप्ट है ना, रोल्स आर अटैच विद AWS रिसोर्स। AWS रिसोर्स का मतलब है द स्टोरेज, ये क्या है, आपकी AWS रिसोर्स है। तो मैंने क्या करा है, एक स्टोरेज अकाउंट बना दिया, लाइक आई एम क्रिएट अ वन स्टोरेज, मैंने S3 में जाके एक अपनी स्टोरेज बना दिया। तो जब मैं स्टोरेज बनाता हूं, तो इस स्टोरेज को आप क्या एक्सेस देना चाहते हो, लाइक मैंने इस स्टोरेज के साथ अटैच कर दिया रोल 2 को। इसका मतलब क्या है कि इस स्टोरेज को कौन एक्सेस कर सकता है, रोल 2, और रोल 2 में कौन सी पॉलिसीज है, EC2, यानी कि
अगर मैं अब ईसी टू बनाऊंगा तो ईसी टू को किसके राइट्स मिल गए? स्टोरेज अकाउंट के राइट्स मिल गए. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर, क्लियर. मेरा कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना, कि मैंने अगर रोल ईसी स्टोरेज के साथ, या मैं कहता हूं मैंने एक बनाया ईसी टू और ईसी टू के साथ मैंने अटैच कर दिया रोल वन, तो क्या होगा? ईसी टू को कौन से राइट्स मिल गए? या तो स्टोरेज से जाके ईसी टू सिलेक्ट कर लो, या ईसी टू से जाके स्टोरेज कर लो. तो यानी कि ईसी टू को मैंने किस चीज के राइट दे दिए? स्टोरेज के. अब यहां पर एक्स वाई जेड कोई भी यूजर आके काम करता है तो उस पर वो किस चीज पे काम कर सकता है? स्टोरेज अकाउंट पे राइट काम कर सकता है. लेकिन वो यूजर, लाइक मैंने एक और से यहाँ पे ईसी टू मशीन बनाई है और मैंने इसको रोल असाइन नहीं करा, तो एक्स वाई जेड यूजर अगर इस मशीन पे काम करेगा तो उसके पास स्टोरेज के एक्सेस नहीं होंगे. स्टोरेज के एक्सेस सिर्फ किस पर होंगे? इस मशीन पे होंगे. यानी कि सर्वर वन पर स्टोरेज के एक्सेस तो हैं, बट सर्वर टू पे नहीं है. रीजन, क्योंकि इस बार जो मैंने पॉलिसी दी है वो यूजर को ना देके किसको एलोकेट कर दिया है? सर्वर को, जिस सर्वर पे बैठ के यूजर काम करेगा. तो अगर मैं यूजर को पॉलिसी देता हूं तो यूजर कहीं भी किसी भी लोकेशन पे जाके काम कर सकता है. गॉट इट माई पॉइंट? बट मैं अगर पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पर ही उसको काम कराना चाहता हूँ, स्पेसिफिक रिसोर्स पे काम कराना चाहता हूँ, तो मैं पॉलिसीज किसको एलोकेट करूंगा? उस रिसोर्स को एलोकेट करूंगा. मैं चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाके काम कर सकते हो, बट अगर मैं आपके मशीन का आईपी मैप कर दूं आपके मैक एड्रेस से, तो फिर वो कहीं और काम लॉगिन ही नहीं करेगा. वो उस पर्टिकुलर मैक पर ही क्या करेगा? वर्क करेगा, क्योंकि मैंने अब मैपिंग कर दी आपकी लोकेशन. तो जब मैंने मैपिंग कर दी तो आप उस लोकेशन पे हो तो आपके पास सारे राइट्स हैं. गॉट इट? जैसे कि आप पीजी पे हो तो सारे राइट्स हैं, जो मर्जी करो. लेकिन अगर मैं आप घर में चले गए तो आपके पास कोई राइट्स नहीं है, सिर्फ क्या है, घर वालों का तुट्टा है. यस और नो एवरीवन? गॉट इट द कॉन्सेप्ट? सेकंड, ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ एमएफए रोल्स का. सेकेंड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, मतलब है द ओटीपी कॉन्सेप्ट. कि आपको पता है कि अगर आपके यूजर का पासवर्ड किसी के पास हो गया, मिल गया, तो वो आपका लॉगिन कर सकता है, कोई भी रिसोर्स बना सकता है, डिलीट कर सकता है. यस और नो? सो मैं आपको देना चाहता हूं द कॉन्सेप्ट ऑफ ओटीपी. मैं एक वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं ओटीपी, मैं चाहता हूं कि आप जब भी यूजर अपना लॉगिन करें तो आपके मोबाइल से एक पासकोड भी जनरेट हो उसके लिए. जब तक वो पासकोड आप नहीं डालोगे, आपका यूजर लॉगिन ही ना करे. गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? तो दिस इज अ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि एक तो आपका पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ही है, साथ में मैंने एक और एडिशनल ऑथेंटिकेशन दे दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ओटीपी, कि पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना पासकोड भी एड ऑन करना पड़ेगा और ये पासकोड कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. क्लियर एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर. नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद पोर्टल. आप में से कोई सिस्टम पे लॉगिन है अभी? कोई नहीं. नवनीत, आप मोबाइल पर हो या सिस्टम पर हो? सिस्टम पर हूँ सर. सिस्टम पे हो ना? पास में रखा हूँ. कोई नहीं, आप अपने सिस्टम, सभी लोगों को अगर ओटीपी वाला कॉन्सेप्ट करना है
सो आपको एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने मोबाइल पे. दिस ऐप इज कॉल्ड अ गूगल ऑथेंटिकेटर. गूगल. सो नवनीत प्लीज डाउनलोड दिस ऐप इन मोबाइल फोन. दिस इज अ सिंबल. इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए. और गाइस आप लोग भी अगर लैपटॉप में मोबाइल में मैं आपको मोबाइल को कनेक्ट कराऊंगा. After that, कि आपको अगर पता हो कि कल मैंने एक यूजर बनाया था कुश के नाम से, तो ना I'm just logging with कुश. एक बार लोगो दिखाना आपका. This one. Okay sir. I'm just go to incognito and login with kush user. So I'm just go to Amazon Web Services and IAM user and now I'm just click on ICCP Infotech. And the username is Kush and the password. And now guys, देखिए इस समय मैं अगर यूजर को लॉग इन कर रहा हूँ तो ये यूजर नॉर्मल मेरे पासवर्ड से लॉग इन हो गया. और अगर किसी को मेरा पासवर्ड पता लग गया तो वो मेरा वर्क काम कर सकता है सारा का सारा. मैं चाहता हूँ यहाँ पे डुअल ऑथेंटिकेशन देना. सो हाउ टू प्रोवाइड डुअल ऑथेंटिकेशन गाइज, सिंपली है, यू कैन जस्ट डाउनलोड द ऐप. आपको वो ऐप क्या करनी है, डाउनलोड करनी है. हो गई सर. एंड डाउनलोड करने के बाद यू कैन जस्ट गो टू IAM एंड देन गो टू यूजर. उस पर्टिकुलर यूजर पे जाना है. गो टू IAM और IAM जाने के बाद आई एम जस्ट गो टू यूजर्स एंड कुछ यूजर पे गया एंड देन Go to security credentials. यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है security credentials. तो अगर आपको अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो जो भी यूजर सेटिंग्स है. नाउ कंसोल पासवर्ड, आप यहाँ पे अगर पासवर्ड भूल गए हो सो दोबारा रीसेट वगैरह करना चाहते हो सो वो कर सकते हो आप. नाउ यू कैन सी द असाइन अ MFA डिवाइस. आई एम जस्ट क्लिक ऑन मैनेज वर्चुअल MFA डिवाइस. Then show the QR code. So उस ऐप से ये QR code स्कैन करिए. एक मिनट सर. सर फोन में कैसे होएगी सर ये ऐप? सर ऐप को ओपन करो यार, डाउनलोड करके प्ले स्टोर से. उसके अंदर स्कैन बार कोड आ रहा होगा. सर सेम ही डिवाइस में है ना मेरा सर वो. यार अभी तो आप कह रहे थे मैं लैपटॉप पे लॉग इन हूँ. वेट मैं किसी और से कराता हूँ. सो आपका नाम क्या है? शायद स्कैन करिए इस कोड को. तो गाइस ये उस ऐप से आपको स्कैन करना है. स्कैन करने के बाद इट गिव यू द टू कोड्स, बैक टू बैक कोड. आपको यहाँ पर दो कोड ऐड करने हैं. जस्ट अ मिनट गाइस, ऐप डाउनलोड हो रही है. नेट नहीं चल रहा सर लैपटॉप वाले में, इसलिए मैं फोन से आया. या वेट गाइस, हो रही है अभी. अब 2 मिनट दो सर. मेरे पास है कोड लेकिन मेरी ऐप दूसरी है. मैं 2FA यूज कर रहा हूं. स्कैन करो. 2FA ऑथेंटिकेटर कर दिया मैंने. स्कैन करो. कोड बताइए. जी 932202 93. रुक जाओ सर, ये टाइम आउट होने वाला है. हां बताइए, दो कोड देने बैक टू बैक. 928 08 08 07 7. और एक और कोड देना. जी एक सेकंड. और 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है कोड. राइट.
नेक्स्ट कोड है 768 768 640 640 एंड नाउ असाइन एमएफए. तो गाइस द सक्सेसफुली असाइन हो चुका है, काफी सारी एप्स हैं. और देन अब मैं अगर देखिए उस यूजर को लॉगिन करता हूं, सो वो मेरे से अब पासकोड पूछेगा. नाउ आई एम जस्ट गो टू AWS मैनेजमेंट कंसोल एंड अकाउंट नेम इज ICCP इन्फो टेक. और आपको ये पता है कल सारी चीजें मैंने कराई हैं. एंड द यूजर नेम इज KUSH कोश एंड द पास कोड इज AHT@123456 एंड नाउ द MFA कोड. सो गिव मी द कोड. हर बार नया कोड आपको अपने मोबाइल से देख के उस ऐप के अंदर कोड जनरेट होते रहते हैं, आपको हर बार न्यू कोड देना पड़ेगा. तो रजत शेयर द कोड. एक सेकंड सर. न्यू कोड है 077 077 816 816 एंड नाउ द सबमिट. तो चेंज होने से पहले कोड आपको ऐड ऑन करना है और यू आर यूजर आर लॉगिन. गॉट इट द हाउ टू ऐड द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन विद यूजर. इज इट क्लियर गाइस? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐड करने के राइट सिर्फ एडमिन के पास ही होंगे. okay. और किसी के पास नहीं होते. सर इसको रिमूव करना हो वहां से आके रिमूव कर दो. एडमिन रिमूव भी कर देगा. रिमूव का ऑप्शन आता है वहां पे. मैं डिलीट कर दिया गलती से, तो आप रिमूव कर सकते हो. नाउ गाइस द वन मोर थिंग. अब हम बात करते हैं रोल्स की. गॉट इट? सो कल आपको पता है मैंने पॉलिसीज बनाई थी. मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम क्रिएट अ रोल्स. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रोल्स देन क्रिएट रोल्स. And give the role name or select the policies. So यहाँ पे मैं AWS सर्विस कर रहा हूँ और जो मैं रोल बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ? EC2 के लिए. Got it? So I'm select the service from EC2. Then next. और मैं क्या परमिशन देना चाहता हूँ? I am give कि मैं देना चाहता हूँ स्टोरेज अकाउंट को एक्सेस करने की. So now I am just select S3. और ये कल मैंने पॉलिसी से क्रिएट कराई थी और मैंने ये पॉलिसी सिलेक्ट कर ली जो हमने लास्ट क्लास के अंदर बनाई थी S3 फुल एक्सेस. नाउ द नेक्स्ट नेक्स्ट एंड गिव द रोल नेम इज ROLE रोल 1 S3 एक्सेस. एंड नाउ AWS अलाउ EC2 इंस्टेंस टू कॉल AWS सर्विस ऑन योर बिहाफ. यानी कि EC2 इंस्टेंस किसको कॉल कर सकता है? स्टोरेज अकाउंट को. अदरवाइज कोई कम्युनिकेशन बाय डिफॉल्ट सर्विसेज के बीच में नहीं है. सो हमें क्या करना पड़ेगा? उन सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए या तो यूजर्स के थ्रू या रोल्स के थ्रू कम्युनिकेट कराना पड़ेगा. नाउ द क्रिएट रोल. एंड गाइज आई एम क्रिएट अ वन रोल्स. अब आप देखिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है. आई एम ऑल्सो क्रिएट अ वन यूजर. मैं एक यूजर भी क्रिएट कर रहा हूं. सो आई एम जस्ट क्रिएट अ यूजर एंड रजिस नाम का एक यूजर क्रिएट है S3 एक्सेस का. उसको ग्रुप है और S3 एक्सेस पे आई थिंक सो पॉलिसीज भी उसको मिली हुई है S3 फुल एक्सेस. तो एक रजत नाम का यूजर ऑलरेडी क्रिएट है या मैं एक नया क्रिएट ही कर लेता हूं. आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर एड यूजर एंड give the user name is like Badal and I'm just give the bot access, programmatic access bhi de raha hu aur main usko kaun sa access bhi de raha hu? Console access. I'm give the password like password name is called AHD@1234 and I'm not give the change password options. Main nahi chahta user password change kare. Main already aapko bata chuka hu last class. Now the next permissions, I'm just attach the existing permissions like S3 full access. So
I'm give the policies to this user, next and review and create. So guys, मैं इस यूजर को कल मैंने ग्राफिक पे लॉगिन कराया था, आज मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे भी लॉगिन करा के दिखाऊंगा यूजर को. सो व्हेन यू लॉगिन यूजर इन अ कमांड प्रॉम्प्ट, सो आपको एक्सेस कोड और यूजर आईडी पता होना चाहिए. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन नोटपैड और नोटपैड पे मैं क्या करता हूँ, इस यूजर का एक्सेस कोड कॉपी करा एंड देन पेस्ट एंड सीक्रेट की को कॉपी करा एंड देन पेस्ट. मैंने इस यूजर की एक्सेस की और सीक्रेट की को कर लिया. ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सो ये आपको इसके एक्सेल फाइल में भी आपको दे देगा, सीएसवी फाइल में. नाउ अगर आपको किसी भी यूजर को लॉगिन करना है अपने सिस्टम पे, लाइक आपने एक यूजर क्रिएट कराया और ये आपका लैपटॉप है. अब आप इस लैपटॉप पे दो वे है, या तो आप ग्राफिकली यूजर को लॉगिन करो या कमांड प्रॉम्प्ट पे करो. अगर आप यूजर को ग्राफिकली करते हो जीयूआई पे, तो जीयूआई के लिए आपको क्या करना है, गो टू क्रोम और क्रोम पे जाके आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल पे जाना है. दिस इज अ ग्राफिक, गिव सिलेक्ट द IAM यूजर ऑप्शन, गिव द यूजर अकाउंट आईडी ICCP इन्फोटेक, then next give the username is Badal and the password is ASD@1234 and now your user is login. So aapka ye user kya ho gaya, login ho gaya. This is a GUI way. Agar aapko graphic pe karna hai, agar aapko isi user ko login karna hai CLI pe, तो CLI पे लॉगिन करने के लिए क्या कमांड्स है, यू कैन जस्ट गो टू कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि CMD. आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है. आई एम जस्ट इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ दिस. एंड यहां पे आपको कमांड लिखनी है AWS configure. Which one command? AWS configure. और जब आप AWS configure command लिखेंगे तो ask you the access key and secret key. ये आपसे क्या पूछेगा? Access key and secret key. So access key. So I'm just copy the access key. This is my access key. See, and secret key, I'm just paste the secret key. Then ye aapse pucha kis reason mein aap login hona chahte ho, to AP-South1 is a name of reason, yani ki ye Mumbai region ka name hai, aap dekh sakte ho yahan par, in Mumbai region AP-South1. अगर आपको यूएस वेस्ट में करना है तो US-West-2 आप लिख दीजिए. तो यहाँ पे ऑलरेडी AP-South1 आ रहा है, सो मैं उसी को सिलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ इंटर द डिफॉल्ट लैंग्वेज, जेसन ये सपोर्ट करता है या YAML करता है, सो मैं इंटर ही कर दे रहा हूँ. और नाउ आई एम जस्ट कनेक्टेड विद AWS पोर्टल, मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ. मुझे अब लाइक अपने स्टोरेज अकाउंट देखने की, क्या मेरा कोई स्टोरेज बना हुआ है, सो मैं यहाँ पे देखता हूँ AWS S3 LS, यानी कि मैं देखना चाहता हूं मेरा कोई स्टोरेज अकाउंट है, तो यहां पर उसने कोई भी चीज डिस्प्ले नहीं करी है. लाइक मेरे को अगर कोई स्टोरेज अकाउंट बनाना है, तो मैं क्या करता हूं अपने पोर्टल पे जाता हूं और एक स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके देख लेता हूं. आई एम जस्ट गो टू S3, ओपन लिंक. सो मैं आपको ग्राफिकली पहले स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करके दिखा देता हूं. So I'm create a bucket. Give the bucket name is BADAL Badal-data. Is a specific Mumbai location mein main create kar raha hu guys, and create. So now ek storage mera yahan pe ban chuka hai
और अब देखिए अगर मैं इसी स्टोरेज को यहाँ पे दोबारा से सेम कमांड चलाता हूँ तो ये आपको दिखा देगा बादल हाइफन डेटा। अगर आप क्रिएट भी करना चाहते हैं तो आप यहां से भी कर सकते हो, AWS MB का मतलब है मेक बकेट S3:// BADAL बादल हाइफन डेटा 22। तो एक मिनट, AWS-S3 MB। नाउ सो गाइस मैंने क्या करा है, AWS हो गया मेरा क्लाउड, S3 हो गई मेरी सर्विस, MB का मतलब है मेक बकेट, मतलब बकेट क्रिएट करनी है विद द किस नेम, बादल हाइफन डेटा 22 के नाम से। तो अब देखिए अब मैं अगर LS करता हूं यानी कि लिस्ट करता हूं तो अब आपको यहां पे दो बकेट दिखाई देंगे। और नाउ यू कैन सी अगर आप ग्राफिकली भी जाके इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे देखिए आपकी एक और बकेट बन के आ चुकी होगी। गॉट इट? मेरे को अगर बकेट्स को डिलीट करना है तो आइदर या तो मैं यहां से सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं या मैं कमांड प्रॉम्प्ट से भी डिलीट करना चाहता हूं, सो एमबी की जगह मैं क्या कर दूंगा, आरबी कर दूंगा सीधा। आरबी का मतलब है रिमूव बकेट और गिव द बकेट नेम। गाइस देखिए यहां पर मैं ये काम क्यों कर पा रहा हूं यूजर से, क्योंकि मेरा यूजर है कहीं भी किसी भी सिस्टम पे लॉगिन हो सकता है। तो जिस यूजर अभी मैं जिस सिस्टम पे काम कर रहा है ये मेरा खुद का ऑन लैपटॉप है या AWS की वर्चुअल मशीन है, इट्स माय ऑन लैपटॉप, ये मैं अपने खुद के सिस्टम पे कर रहा हूं गाइस, दिस सिस्टम इज नॉट अ AWS, ये मेरा AWS का सिस्टम नहीं है। Gotten my point everyone? तो यहां पर ये मैं क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि मैंने यूजर को राइट दिए हुए हैं। अगर मैं यूजर से जाके राइट्स को वापस ले लेता हूं, Gotten my point? अगर मैं पर्टिकुलर इस बादल यूजर पे जाता हूं और पॉलिसी जो मैंने इसके साथ अटैच करी है मैं उस पॉलिसी को रिमूव कर देता हूं, तो अब क्या होगा, क्या ये अब मेरे को बकेट दिखाएगा वहां पे ls कमांड से? बिल्कुल। तो नाउ अगर मैं यहां पे ls करके देखता हूं AWS S3 ls, तो क्या बोल रहा है, द लिस्ट बकेट ऑपरेशन इज एक्सेस डिनाइड, दैट मीन देयर आर नो राइट्स, मेरे पास राइट्स नहीं है कि मेरे यूजर को S3 के एक्सेस मिले। गॉट इट द फर्स्ट पॉइंट गाइस एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? नाउ ऐड द परमिशन अगेन, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? एवरीवन, अंकित, बादल, नवनीत, प्रवीण, पुष्पित, रजत, राजेश, राम, इज इट क्लियर? सर जैसे आपने स्कैन करवाया, हेलो, हाँ सर, जैसे आपने उसमें स्कैन कराया था वो तो सर मोबाइल में चलेगा ना, तो लैपटॉप को कैसे स्कैन करेंगे, मतलब वो टू वे ऑथेंटिकेशन से ना करना है यार, आप मोबाइल पे लॉगिन हो, अगर आप मेरी ट्रेनिंग लैपटॉप पे ले रहे होते तो मोबाइल से स्कैन नहीं कर सकते थे बार कोड को? नहीं नहीं सर, तो हमें तो ये काम लैपटॉप पे करना होगा ना, लैपटॉप पे ही तो काम कर रहा हूँ मैं, आप मोबाइल पे क्यों कर रहे हो काम, मोबाइल पे क्या EC2 इंस्टेंस मोबाइल से बनाते हो? नहीं सर, वो उसको स्कैन करने के लिए मतलब परमिशन कैसे मिलेगी? स्कैन होता है वन टाइम स्कैन है, बाकी वो कोड ही पूछेगा। सेकंड टाइम जब मैंने यूजर लॉगिन करा था तो मैंने स्कैन नहीं कराया था, मैंने वो स्कैन कराया था आपका मोबाइल फोन उस यूजर के साथ अटैच करने के लिए, अब सिर्फ आपको वो कोड डालना है।
एक बात बताओ कि आप बैंक अकाउंट में अपना मोबाइल नंबर दे के आते हो, मोबाइल ही दे आते हो बैंक अकाउंट वाले को? हाँ ठीक है सर। नवनीत, मोबाइल दे के आता है क्या? अब नहीं सर, वो कहता है ओटीपी कैसे मोबाइल आता है, नहीं। मोबाइल तो मेरे पास है, तो बैंक वाले ओटीपी कैसे भेजते हैं? बस उसमें से ऐप में से देख के आपको ओटीपी बनाना है, पासवर्ड बताना है, वो जनरेट करता है ठीक। हर बार न्यू। नाउ द नेक्स्ट इज सेम कि अब मैं रोल वाला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो रोल का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए यहां पर मैं अभी S3 किस वजह से एक्सेस कर रहा हूँ, यूजर की वजह से। बट अगर मैं रोल किसी सर्वर के साथ अटैच कर देता हूँ तो यूजर पे परमिशन हो या ना हो मैं फिर भी एक्सेस कर लूंगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू क्रिएट अ टू सिस्टम। बट गाइस एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहां पर जब मैंने कमांड चलाई थी ना AWS कॉन्फिगर, अगर आपको याद हो सबसे पहले, तो ये कमांड यहां पर चलने के बाद एक्सेस की और सीक्रेट की मांग रही है, लेकिन जब आप लोग चलाओगे तो आपके पास ये एरर देगी। क्यों देगी? इसका रीजन है कि आपको ये कमांड चलाने से पहले अपने सिस्टम पे AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे सिस्टम पे वो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्या है, इंस्टॉल्ड है। सो मैं एक वर्चुअल मशीन बना के आपको उस पे इंस्टॉल करके फिर दोबारा से एक बार और बता देता हूँ। तो आप देखिए मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी AWS CLI क्या है, इंस्टॉल्ड है। अगर ये AWS CLI इंस्टॉल नहीं होगा तो ये वाला प्रोसेस आपका स्टार्ट ही नहीं होगा, इट गिव यू द एरर। सो नाउ आई एम जस्ट क्लोज इन। और सेम चीज अब मैं आपको वर्चुअल मशीन पे बता रहा हूँ, ये मैंने फिजिकल मशीन पे बताया था। सो नाउ आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ टू वर्चुअल मशीन्स, वन इज लिनक्स एंड अनदर इज विंडोज। सो आई एम जस्ट लॉग इन विद EC2। And create a two servers. एडमिन से ही बनेगी सारी चीजें यार, यहाँ पे एडमिन से ही लॉगिन हूँ मैं। एंड T2 माइक्रो नेक्स्ट एंड गाइस डिफॉल्ट डिफॉल्ट। और गाइस देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है IAM रोल्स का, और यहाँ पे वो रोल्स भी आ गया जो मैंने बना रखा था, बट मैं अभी यहाँ से कोई रोल अटैच नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप नेक्स्ट एंड आई एम जस्ट गिव द ऑल ट्रैफिक एनीवेयर रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट द KPL लिनक्स 2022 and same as I'm create one more windows one machine. This is my Linux machine and now I'm create a one windows machine also, launch instance. And select the key pair of windows and launch instance and view instances. Now guys, I'm just login with Linux. My Linux ki machine se login hota hun pehle. I'm just copy the public IP and go to PuTTY. Already main bata chuka hun Linux ke bare mein bhi aapko, so koi doubt nahi hona chahiye yahan pe. And paste the IP and appearance and increase the font size and then go to the SSH, inside the SSH authentication, then browse and select the key pair. So Linux ke liye which one key pair use hota hai? .ppk. So Linux 2022, is it ppk extension key pair? And then open and yes. The default username is EC2-user.
वेट वेट तो नाउ गाइस यहाँ पे आई एम जस्ट लॉग इन विद यूजर और अब देखिए यहाँ पे मैं अगर कमांड चलाता हूँ AWS S3 LS डायरेक्ट कमांड चला दो, एडमिन पे चले जाओ, वो तो क्लाउड के रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं. तो यू कैन कॉन्फ़िगर द क्रेडेंशियल बाय रनिंग AWS कॉन्फ़िगर. अब मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मुझे रिसोर्स को यूज करना है कि मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ कि मैं स्टोरेज की सर्विसेज लिनक्स पे एक्सेस करना चाहता हूँ. तो मेरे पास दो वे हैं. पहला वे, या तो मैं यूजर को लॉगिन करूं, गॉट इट, मैंने यूजर को राइट दे रखे हैं बादल को और मैं यूजर से लॉगिन करके काम कर लूं. बट मैं यूजर को नहीं, मैं तो चाहता हूँ यहाँ पे EC2 यूजर है ना, यही S3 को एक्सेस कर ले. यस और नो एवरीवन? तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सिस्टम के साथ रोल अटैच कर देता हूं, मैं अगर इस सिस्टम के साथ रोल अटैच कर देता हूं तो मेरे को यूजर वाली परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो नाउ आई एम जस्ट अटैच रोल विद लिनक्स. सो हाउ टू अटैच रोल विद लिनक्स, सो आई एम जस्ट गो टू द लिनक्स एंड गो टू द एक्शंस एंड देन security and modify IAM roles and attach this role. Role 1 and save. Guys, many role attach kar diya, then you can type the same command again. AWS S3 LS. Or at this time, it show you the storage. Got it my point? Pehla way toh ye aapka. Role ka ye benefit hai. Like I'm just go to sudo /su -hyphen. And I'm just type the command AWS S3 LS. So, देखिए मैं EC2 user से login था तब भी मेरे को storage के access मिले हुए हैं. मैं इस बार admin user से login हूँ तब भी मेरे को S3 के storage के access मिले हैं. Like a user user add with the name of like Ankit. And PAWS WD ANKIT Ankit and AST @1234 and now PAWS WD ANKIT. Token update successfully. Now SU-ANKIT Ankit and AWS S3 LS. Now देखिए guys, मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले मैं EC2 user से login हुआ था.
इजी टू यूजर से मैंने लॉगिन हुआ, लॉगिन होने के बाद मैंने स्टोरेज अकाउंट करा, उसने बोल दिया एक्सेस डिनाइड। मैंने क्या करा, इस सर्वर के साथ रोल अटैच कर दिया। अब इस रोल को अटैच करने के बाद जब मैं इसी टू यूजर से लॉगिन हूं और मैंने रोल अटैच करने के बाद सेम कमांड चलाई, उसने मेरे को स्टोरेज के राइट दे दिए, क्योंकि इस बार जो मैंने पॉलिसी है इसी टू यूजर को ना देके किसको असाइन करी थी, सिस्टम को, और सिस्टम को पॉलिसी किसके थ्रू मिली है, रोल के थ्रू। उसके बाद मैं सुपर यूजर पे गया, रूट पे मैंने दोबारा से कमांड चलाई, ये भी एक्सेस कर पा रहा है। मैंने फिर क्या करा, चलिए मैं कहता हूँ कोई और यूजर, तो मैंने सबसे पहले एक यूजर क्रिएट करा लिनक्स पे विद द नेम ऑफ अंकित, उसका मैंने पासवर्ड सेट करा। पासवर्ड सेट करने के बाद मैं जब अंकित यूजर से लॉगिन हुआ और मैंने देखता हूँ कि क्या अंकित एक्सेस कर पा रहा है, तो यस अंकित भी मेरा एक्सेस कर पा रहा है, बिकॉज तीनों यूजर मेरे एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं यूजर से लॉगिन होता हूँ तो सिर्फ बादल ही मेरा काम कर सकता है, कोई और नहीं ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइक कि मैं यहाँ पे कर जाता हूँ एग्जिट। अब देखिए मैं किस पर हूँ, रूट यूजर पे हूँ, और मैं अब यहाँ से रोल को कर देता हूँ रिमूव। लिनक्स मशीन से मैं क्या रिमूव कर रहा हूँ, रोल को रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको यूजर यानी कि पॉलिसी और रोल के बीच का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। आई एम जस्ट गो टू द सिक्योरिटी एंड मॉडिफाई एंड रिमूव, सेव, डिटैच। DETACH और गाइस देखिए, अब मैं अगर दोबारा से सेम कमांड चलाऊंगा तो अब यहां पर ये गिव मी द एरर, क्योंकि मैंने रोल, बट मैंने एक यूजर बनाया हुआ है बादल नाम का, AWS configure। अगर आप किसी यूजर से लॉगिन करते हो, द एक्सेस की, this is the access key of my user, then the secret key, this is the secret key of my user, and AP-SOUTH-1, that means the Mumbai region name, and JSON, yeah, enter मार देता हूँ, default ले लेगा। एंड नाउ अब मैं क्या है कि अब मैं किस यूजर से लॉगिन हो गया हूँ, यहाँ पर बादल से, और अब मैं अगर यहाँ पे कमांड चलाता हूँ तो देखिए अब एक्सेस हो गया। गॉट इट द पॉइंट, इज इट क्लियर गाइस द डिफरेंस। एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, अगर आपको पता हो कि जब मैंने लिनक्स की मशीन बनाई थी, मैंने क्या करा था, लॉन्च इंस्टेंस करा था, और मैंने क्या सिलेक्ट करा था, अमेजोन लिनक्स। तो अगर आप Amazon Linux यूज करते हो, यानी कि Amazon Cloud ही हम पढ़ रहे हैं, Amazon Linux ही हम यूज कर रहे हैं, तो इस पर ऑलरेडी AWS CLI इंस्टॉल्ड होता है। Got it my point? अगर आप इसकी जगह Mac OS या Ubuntu या Red Hat कोई और Linux यूज करते हो, तो आपको Linux पर भी AWS CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। Got it guys? Now I'm just go की सेम चीज मैं आपको विंडोज पे भी करके दिखा देता हूं। आई एम जस्ट लॉगिन विद विंडोज मशीन, देन क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP, गेट पासवर्ड, ब्राउज, now I'm just attach the role with this instance in Windows. Select Windows, then go to the action, then go to the security, then go to the modify IAM roles and attach the role with this. Cancel तो नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे property में IAM role attach नहीं है, cancel हो गया, so I'm just action
सिक्योरिटी मॉडिफाई सिलेक्ट एंड सेव। तो क्या देखिए, अगर आप कोई भी रोल्स अटैच करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो नाउ द आई एम रोल वन इज कनेक्ट अटैच्ड, गॉट इट। नाउ आई एम जस्ट गो टू दिस मशीन एंड गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी एंड नाउ द टाइप द AWS S3LS। तो क्या हो रहा है, ये तो एक्सेसिबल नहीं हो रहा। व्हाई? बिकॉज द AWS CLI इज नॉट Stalled. So now I'm just stall the AWS CLI. और देखिए, मैं अगर यहाँ पर इंस्टॉल करने से पहले मैं एक और चीज दिखा देता हूँ, लाइक AWS कॉन्फिगर, तो इट गिव मी द एरर। सो हाउ टू इंस्टॉल द AWS CLI? यू कैन डाउनलोड द सॉफ्टवेयर थ्रू द गूगल। सो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करा हुआ है गाइस, तो आप लोग AWS CLI डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। सो आई एम जस्ट गो इन माय सिस्टम, और आई थिंक सो मैंने आप लोगों को शेयर भी करा हुआ है सॉफ्टवेयर पहले ही। तो मैंने इसीलिए आप लोगों को शेयर करा था क्योंकि आगे यूज करना था हमें। ये रहा AWS, और ये मैंने आप लोगों को शेयर करा हुआ है गाइस, जब वर्क बेंच शेयर करा था। नहीं भाई, एंड पेस्ट। एंड देन इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। तो मेरे फिजिकल मशीन पे ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्या था, इंस्टॉल था। एंड नाउ द ओपन। ओके, गॉट इट, दिख गया। AWS CLI इंस्टॉल करते ही, नाउ इफ आई एम रिमूव द रोल, मैंने अभी यूजर से लॉगिन नहीं हुई है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने रोल अटैच करा हुआ है। अगर मैं रोल रिमूव कर दूंगा तो उससे रिलेटेड वो पॉलिसीज क्या हो जाएगी, रिमूव्ड हो जाएंगी। एंड नाउ अगेन आई एम चेक, it gave you the error. Now the another option is AWS configure. I'm just copy the access key and secret key of Badal. Main user se login ho jata hu. Got it? Kyunki maine right se user ko bhi de rakhe hai. Mere paas do options hain. Ya to roles ke through mere ko policy mil sakti hai ya user ke through. So now I'm just login with user. And now AWS S3LS. Is it clear? Everyone, is it the clear the concept of roles and yes, policies sir. And yes, user? So hope so. Is it clear the use of IAM? What is the use of IAM? So now you're the topic is finish of IAM concept of group, user, role and policies. Baki other cheeze hamare developer end pe hain. आपका कौन कौन से रूल्स अलाउड हैं, तो वो ये चीजें हमारी मेन जो चार चीजें जो यहाँ पे कवर होती हैं, ठीक है। बाकी हमारा डेवलपर एंड के लिए यहाँ पे यूज है लाइक अचैब रूल्स, एनालिटिक्स के रूल्स,
तो जब डेवलपर्स पे जाते हैं तो डेवलपर्स के हिसाब से वो चीजें क्रिएट होती है। फाइन, तो ये डेवलपर्स के लेवल्स के हैं, तो ये हमें अभी नहीं करनी होती है। हमारा जो पार्ट लाइक अकाउंट डिफॉल्ट सेटिंग्स आपकी जो होती है, जो अब आप अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपके डिफॉल्ट पासवर्ड रूल्स क्या आते हैं, तो वही सारे रूल्स आपके यहाँ पर हैं, पॉलिसीज हैं, ये आपके रीजंस हैं जो जहाँ पर आप बाय डिफॉल्ट काम कर सकते हैं, एक्टिव रीजन जिन जिन पे आप यूज कर सकते हैं। आप डीएक्टिव करना चाहते हैं तो उनको डीएक्टिव कर सकते हो। तो ये आपकी चेंज पासवर्ड पॉलिसीज, आप जो भी पासवर्ड पॉलिसीज अपनी डिफॉल्ट सेट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड पॉलिसीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दीज आर द सम बेसिक थिंग्स। सो आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे, या कंटिन्यू। थैंक यू वैसे।